देश में इस वक्त पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें चल रही। किसी भी तरह प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाना इनका लक्ष्य है। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो विपक्षी एकता के लिए सौदेबाजी तक कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी यही कर रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ बनने वाले मोर्चे में शामिल होने के लिए केजरीवाल तैयार तो हैं, लेकिन इसके लिए वो कांग्रेस से सौदेबाजी कर रहे थे। केजरीवाल ने पहले कांग्रेस के सामने शर्त रखी कि कांग्रेस राज्यसभा में उस अध्यादेश का विरोध करे जो केंद्र सरकार लाई है। इस अध्यादेश से दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल के हाथ से निकल गया। कांग्रेस ने केजरीवाल के इस ऑफर पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। राहुल गांधी ने मिलने तक का समय नहीं दिया। कांग्रेस की स्टेट यूनिट्स ने केजरीवाल का सहयोग न करने की राय आलाकमान तक पहुंचा दी। अपने फायदे के लिए केजरीवाल विपक्ष के महागठबंधन में शामिल होने के लिए शर्तें रख रहे थे, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो अब केजरीवाल कांग्रेस के पीछे पड़ गए। जो कांग्रेस के पीछे केजरीवाल पड़े हुए थे कि राहुल जी से मिलवा दो, राहुल जी से मिलवा दो, राहुल जी से मिलवा दो, अब उसी कांग्रेस के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। और कांग्रेस पर हमला करने के लिए केजरीवाल ने यूपी के डॉन को मोहरा बना लिया है। अरविंद केजरीवाल की डेस्पिरेशन इतनी इसलिए है क्योंकि उनके करीबी सहयोगी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में, बेल इनको मिल नहीं रही। भाई आप बाहर कट्टर ईमानदार बता दोगे, उससे कोर्ट थोड़ी बेल दे देगा। इसके अलावा केजरीवाल अब शीश महल की जांच की भी आंच महसूस कर रहे हैं। एलजी के साथ अब ईडी भी केजरीवाल के बंगले के निर्माण में हुई गड़बड़ी की जांच कर रही है। ऐसे हालात में केजरीवाल को कांग्रेस से समर्थन की उम्मीद थी, जो पूरी हुई नहीं, तो केजरीवाल कांग्रेस के पीछे पड़ गए। और इसके लिए सहारा लिया है यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी का, और हमला हुआ है पंजाब से। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कांग्रेस पर माफिया डॉन के साथ संबंध का आरोप लगाया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि 2019 में यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को पूछताछ के लिए पंजाब लाया गया था। उस समय माफिया मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद था। पंजाब आने के बाद मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में रखा गया था। पंजाब के तत्कालीन सीएम और जेल मंत्री ने मुख्तार अंसारी को कई सुविधाएं दी थी। रोपड़ जेल में माफिया मुख्तार अंसारी की सेवा की जाती थी, लेकिन मुख्तार को किस अपराध में रोपड़ जेल में रखा गया यही नहीं पता था। मुख्तार अंसारी की पत्नी जेल के पीछे कोठी में रहती थी। तत्कालीन सीएम अमरिंदर सिंह और जेल मंत्री माफिया को बचा रहे थे। मुख्तार अंसारी के मामले में वकीलों की फीस के तौर पर 55 लाख रुपए खर्च हुए। ये सारे आरोप भगवंत मान की तरफ से लगाए गए। अच्छा, ये मुद्दा वो पहले भी उठा चुके हैं, लेकिन अचानक कांग्रेस पे ऐसा लग रहा प्रेशर बनाने के लिए, हमलावर होने के लिए फिर ये बातें उठ रही। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दिया कि कांग्रेस का हाथ तो देख लीजिए जी, माफिया और गैंगस्टर के साथ। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो वो माफिया को संरक्षण दे रहे थे। अरे भाई, इतना ही संरक्षण दे रहे थे तो उनके साथ जाके हाथ क्यों मिलाने के लिए अभी घूम रहे थे पीछे पीछे? राहुल जी मिल लीजिए, राहुल जी मिल लीजिए क्यों बोल रहे थे? विपक्षी एकता के नाम पे पटना दौड़े दौड़े क्यों चले गए थे? तब भी बोलते कि ना ना, हमने करेंगे इन लोगों के साथ दोस्ती। जब वहां काम नहीं बना तो याद आया, अरे ये तो माफिया के साथ देने वाली कांग्रेस है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाने के साथ तत्कालीन सीएम अमरिंदर सिंह और तत्कालीन जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को शोकॉज नोटिस भी भेज दिया। नोटिस में माफिया मुख्तार अंसारी पर खर्च हुए 55 लाख रुपए के बारे में लिखा है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, और पंजाब के तत्कालीन सीएम अमरिंदर सिंह और जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने इसका विरोध किया था। मुख्तार अंसारी की पैरवी के लिए तत्कालीन सीएम और जेल मंत्री ने एक वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे को हायर किया। जिस केस में मुख्तार अंसारी को पंजाब लाया गया वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि उसकी पैरवी की जाए। मुख्तार अंसारी को पंजाब में रोके रखने में पंजाब सरकार का कोई हित नहीं था। इसके बाद भी तत्कालीन सीएम और जेल मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पैरवी की। वरिष्ठ वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पैरवी के लिए 55 लाख रुपए का बिल भी दिया। 55 लाख रुपए में से 17,60,000 रुपए अभी वरिष्ठ वकील को देने बाकी है। अब यह महसूस किया जा रहा है कि इस बकाया रकम की वसूली क्यों ना आप दोनों से की जाए। 15 दिन के अंदर आप दोनों इस शोकॉज नोटिस का जवाब दीजिए। पंजाब के सीएम भगवंत मान कह रहे हैं कि तत्कालीन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और तत्कालीन जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से पूरे 55 लाख रुपए की रिकवरी की जाएगी। एक बार भगवंत मान जी को भी सुन लीजिए। यूपी पुलिस गई सुप्रीम कोर्ट च, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्होंने कि सानू बंदा नहीं देंगे जी, पंजाब पुलिस वाले साडा बंदा जी, वो केस चलते हैं। इस गल इस केस न लड़न लई वकील किए गए कि आप देना नहीं बंदा है।
वकीलों की फीस बन गई 55 लाख। वो 55 इन द मीन टाइम इन्हों की सरकार बदल गई। 55 लाख रुपये का बिल तो मेरे को ही आऊगा ना, जो मेरे को 55 लाख का बिल आया वकीलों के पैसे तो सू देने पैणगे ना, ठीक है ना। मैं क्या भी ये 55 लाख आप खजाने चो क्यों देवे, ये 55 लाख उन्होंने तो वसूलना चाहिए जिन्हों ने बिना किसी कारण तो इतने रखे उन्होंने। रिकवरी 55 लाख की होगी। रंधावा साहब, कैप्टन साहब, ये गल मेक श्योर कर देना मैं थोनू। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत भाई। भाई जनता का पैसा अगर किसी अपराधी पर लगा दिया गया है तो उन लोगों से वसूलने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब पटना में जाकर मिल रहे थे, जब राहुल गांधी जी से मिलने का वक्त मांग रहे थे, तब ये बातें क्यों नहीं याद आ रही थी कि भाई ये लोग तो अपराधियों को इस तरह से मदद देने वाले लोग हैं। अब जब रिश्ता नहीं बन पाया तो नोटिस जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस नोटिस पर तत्कालीन जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने जवाब दिया। रंधावा ने कहा कि अगर किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पार्टी बनाया तो वकील तो करना ही पड़ेगा, अगर भगवंत मान होते तो वो भी यही करते। मुख्यमंत्री साहब सोच समझ के कोई बयान दिया करो, अज तक पेमेंट नहीं की गई ते जे तेरे जो जरूरत आ जिदा वैसी भेज दिती ही कि अपने डिपार्टमेंट तेरे जरूरत है तो उन्होंने कर कैंसल तो दे लोगों जो पेमेंट ही नहीं गई तो रिकवरी कद ही करेगा, रिकवरी बिना मतलब तो करेगा कि रिकवरी नौकर नोटिस दे रिकवरी पावे फिर इन मैं जवाब दूँ। वकील करने साडा काम ही नहीं, यही करता इन्हू नहीं पता वकील करने मैं किए नहीं, उन्हें होम ने किए उन्होंने करने हैं। गवर्नमेंट जी होंगी जो डिपार्टमेंट हों रिस्पोंडेंट हों ना कि अं मुलजमान वालों पे अं असी नहीं मुलजमान वालों किया, असी मुलजमान वालों पार्टी नहीं बने, सानू सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी डिपार्टमेंट ने बनाया, पता नहीं कानून में सुनना नहीं। दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि मुख्तार अंसारी को पंजाब लाया क्यों गया था जिसको लेकर यह राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी किस तरह से पंजाब की जेल पहुंचा वो भी आपको सुनना चाहिए। मुख्तार अंसारी पर जनवरी 2019 में मोहाली के एक बिल्डर से 10 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप लगा। इस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मोहाली में FIR दर्ज की गई। मामले की जांच के लिए पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर मुख्तार को मोहाली लेकर चली आई। 24 जनवरी 2019 को कोर्ट में पेश कर मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल भेज दिया गया। इसके बाद करीब 2 साल 3 महीने तक मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में ही रहा। आरोप है कि इस दौरान जानबूझकर उसका चालान तक पेश नहीं किया गया। खुद मुख्तार अंसारी ने भी जमानत के लिए अर्जी तक नहीं दी। यूपी सरकार ने 26 बार प्रोडक्शन वारंट निकाले लेकिन मुख्तार को पंजाब से यूपी नहीं भेजा गया। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार को यूपी पुलिस पंजाब से वापस लेकर आई। यानी जो आरोप लग रहे हैं फैक्चुअली जो है वो होते हुए दिखे भी, लेकिन सवाल इसी का है कि जब आपको जरूरत थी तो आप इसी कांग्रेस से सटने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का समर्थन हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं किया। जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अलग अलग मामलों में जेल जा रहे हैं, केजरीवाल को इस बात का भी डर सता रहा है कि शायद वो भी जेल जा सकते हैं। उस स्थिति में अपने पक्ष में विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने के लिए केजरीवाल ने पिछले दिनों देश भर का दौरा भी किया लेकिन कांग्रेस के साथ केजरीवाल की बैठक नहीं हो पाई। जबकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने का केजरीवाल ने विरोध किया था लेकिन कांग्रेस ने शराब नीति के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार पर हमला किया। विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई का केजरीवाल ने विरोध किया लेकिन कांग्रेस ने केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल से मुलाकात तक नहीं की। दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता खुलकर आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया था। जबकि कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने विपक्षी दलों को बुलाया पर आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया। इस तरह के हालात में अब अरविंद केजरीवाल अलग रणनीति अपना रहे और इसीलिए कई लोगों को लगता है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स का भी हिस्सा हो। आप ये भी देखिए कि केजरीवाल इस वक्त कैसे चारों तरफ से घिरे हुए, इसी वजह से कांग्रेस के खिलाफ उनका ये डेस्परेशन बार बार दिखता है। केजरीवाल को शायद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या स्टैंड लें, कौन सी रणनीति बनाए, क्या ऐसा करें कि वो इस परिस्थिति से निकल सके। केजरीवाल की मुसीबत भी आप समझिए ना, केजरीवाल के करीबी सहयोगी मनीष सिसोदिया जेल में, उनकी तो जमानत ही बार बार रद्द हो जा रही है अर्जी। सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर बाहर है जो 11 जुलाई को खत्म हो रही है। केजरीवाल के शीश महल की जांच हो रही है।
विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को फटकार मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताइए कितना विज्ञापन पर खर्च किए, जरा डिटेल दीजिए। इसके अलावा दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल की टीम से 400 प्रोफेशनल्स को निकाल दिया है। अब ऐसे हालात में केजरीवाल अलग अलग नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं, जिससे उन पर लग रहे आरोपों की बात कम हो और वो बात ज्यादा हो जो केजरीवाल चाहते हैं।